अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग और ये वाला ब्लॉग जो है ये मेरा वही वाला ब्लॉग है जब हम खाने वाल गए थे आप ही के घर और वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस वाले ब्लॉग को मैंने वहीं रस्ते में एंड कर दिया था और यहाँ से जो है मैं उसी ब्लॉग को एक दूसरा ब्लाग जो है ना वो कंटिन्यू कर रही हूँ वहाँ से वापस आते हुए तो हमारा इरादा ये था कि हम घर वापस चले जाएँगे लेकिन एकदम से हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना हम जो है ना वो स्टेशन पर चल हैं क्योंकि हमारे घर के पास जो है ना वो एक ये वाद तफरी मकाम है आ, मैं रेलवे स्टेशन को तफरी मकाम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी रुकती नहीं है तो सिर्फ बहुत ही प्यारी सी पुसकून सी जगह है तो लोग ना ऐसे घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं और आपको ये प्यारा सा बैकग्राउंड व्यू देख अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका ब्यूटीफुल सा व्यू है तो जब भी आती हूँ हम लोग यहाँ आते हैं विजिट हमारा होता है गांव में तो यहाँ पे मैं और सारी थोड़ी देर के लिए लाजमी आते हैं तो बस हम भी यहाँ पर आए थे देखिए ईद की वजह से आज यहाँ पे अच्छा खासा रश है वरना जब भी आएँ कभी भी हमें यहाँ पे रश देखने को नहीं मिलता और आज जो है वो अभी टाइम तकरीबन सवा छः का है और मौसम बहुत प्यारा है गर्मी दोपहर तो के टाइम बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस टाइम थोड़ी सी जो है ना वो बेहतरी आ गई है मौसम के अंदर और व्यू बहुत प्यारा रहा आप पीछे देखिए छोटा सा स्टेशन है कोई गाड़ी भी स्टे नहीं करती लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत खूबसूरत है कल शाम को काफ़ी देर हो गई थी हमें मखदूमपुर स्टेशन पे इंजॉय करते करते बल्कि तकरीबन रात ही हो गई थी क्योंकि गांव में ना मगरब की नमाज़ के बाद का वक्त हमेशा रात ही तस्वूर किया जाता है तो बस रात ही हो गई थी जब हम घर वापस आए मगरब की नमाज के बाद और घर वापस आकर बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि दिन पूरा हमने खाने वाल कर गुजारा था घूमते फिरते और उसके बाद हम स्टेशन पर चले गए थे वहाँ पर से आते आते भी टाइम लग गया तो बस आके थोड़ा रेस्ट किया और भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी कल पूरा दिन खाते पीते कुछ ना कुछ गुजरा है तो बिल्कुल भी भूख का जो है वो एहसास नहीं था तो घर आए बस थोड़ा बैठे बातें बातें की और उसके बाद जो है वह सो गए और अब जो है वो ये नेक्स्ट डे है सुबह सुबह उठे हैं हमने नाश्ता किया और आज नाश्ता भी कुछ हल्का फुल्का किया है वैसे तो खैर मैं जिस दिन से भी आई हूँ मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता करी हूँ मैंने पराठा वग़ैरह नहीं खाया क्योंकि एक तो मेरी जब जगह चेंज हो जाती है ना मतलब कराची छोड़ती हूँ मैं तो मेरी तबीयत बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है तो मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं ना कुछ खाने पीने में एहतियात करूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी ना तबियत अब थोड़ी अपसेट होना शुरू हो गई है तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा है कि मैं ना कुछ एहतियात करके खाऊँ पीऊँ ताकि ये ना हो कि मेरा अगला वाला हाँ जितने भी दिन है मेरे यहाँ वो परेशानी में गुजर जाएँ तो बस सुबह नाश्ता किया हल्का फुल्का सा और उसके बाद हम निकल गए अंकल के बहुत ही करीबी जानने वाले हैं उनकी तरफ़ जा रहे हैं और उनके घर का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब पिछली बार आई थी तब भी अंकल से कहा था कि चलें और इस दफ़ा भी वैसे पिछली पिछली बार जब हम आए थे तो भाभी और बच्चे भी हमारे साथ थे लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ अंकल भाई मैं और शादी जो है वो गए तो जब निकले तो वो सब पहले रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है और मैं जिस दिन से आई थी मैं कब्रिस्तान भी नहीं जा पाई थी आंटी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए वरना ऐसा हमेशा होता है कि जब भी आती हूँ तो पहले दिन ही मैं और सारे चले जाते हैं लेकिन जिस दिन हम पहुँचे हैं अगले दिन ईद थी तो सारे तो सुबह सुबह चले गए थे मैं नहीं जा पाई थी तो फिर अभी हमने सोचा कि चलो तो रास्ते में पहले कब्र पर फातिहा पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे के लिए निकलेंगे तो बस पहले कब्रिस्तान चले गए कब्र पर फातिहा पढ़ी आंटी की और उसके बाद हम निकल आए और अब रस्ते के व्यूज़ देखें माशाला से कितने खूबसूरत हैं थोड़ा दूर करके देहात में उनका घर है ना तो रस्ते की जो नज़ारे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो बस रस्ते को रस, रस्ते के खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करते करते हम जो है वो उनके घर आए थे और जब हम आए थे तो सुबह के टाइम तो उस टाइम पे मौसम अच्छा खासा गर्म था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हबस भी हुई हुई थी लेकिन जब यहाँ पहुँचे ना तो थोड़ी देर के बाद ही बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चलना स्टार्ट हो गई तो मौसम जो है वो थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया था ऐसा लगता था शायद ये इस माहौल का असर था या क्या था बहरहाल मौसम कुछ बेहतर हो गया था इनका घर भी चारों तरफ से खेतों के बीच में कवर है और दरिया मतलब हर तरफ खूब खूबसूरत ही खूबसूरत हरियाली और दरख्त ही दरख्त हरे भरे नज़र आते हैं तो वो देखने भी में भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये माहौल जितना पुरसकून है ना उसकी तो खैर बात ही कुछ और है थोड़ी देर हम लोग अंदर बैठे बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप कुछ खाएँ पिए लेकिन क्योंकि हम नाश्ता करते ही सुबह निकल चुके थे तो हमने ना कुछ खाने पीने पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया उनको मना किया लेकिन फिर भी ना उन्होंने हमें जो है वो खाली दूध पिलाया पिलाया मैंने तो कहा था चाय बनाते हैं लेकिन हमने चाय को मना कर दिया तो वो दूध ऐसे ही लेकर आ गए तो बस फिर उनका दिल रखने के लिए जब आप कहीं जाते हैं ना किसी के घर तो आपको दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है क्योंकि तो अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को मना करते जाए तो फिर अगले भी इस बात को बुरा फील करते हैं कि शायद आप जो है ना वो गरूर दिखा रहे हैं या क्या चक्कर है तो बस उनका दिल रखने के लिए हमें वो पी लिया हालाँकि ऐसे में जो कभी कोई दूध पीने के लिए सादा दे तो मैं कभी भी ना शायद पीऊँ बस वो पिया फिर हम बाहर निकल के आके मैंने क्योंकि मेरी मैं खालिस्तन सिर्फ़ और सिर्फ ये माहौल को इंजॉय करने के लिए और इस माहौल को देखने के लिए ही यहाँ आई थी क्योंकि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है और ना मैं शायद को कभी कभी कहती हुई हूँ कि मुझे ना बिल्कुल ऐसा ही माहौल चाहिए मतलब एक छोटा सा घर हो चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली हो तो ऐसा कोई घर हम लेते हैं और वहाँ हम रहते हैं तो शायद मुझे कहते हैं कि तुम नहीं रह पाओगी तुम सिर्फ एक या दो दिन शायद इस तरह के माहौल में रह लो और ना अगर तुम परमानेंटली सोच रही हो ना कि तुम ऐसा कर लो गो तो तुम नहीं रह, रह सकती ऐसा तो पता नहीं शायद मैं रह पाऊँ या नहीं ना रह पाऊँ ये तो खैर मुझे नहीं पता पर मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है थोड़ी देर उनके घर बैठ के हम बाहर निकल आए थोड़ी देर ऐसे बाहर इंजॉय किया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ माशाला से देखें इनकी फसलें हर सब्ज़ी घर की इनकी लगी हुई मतलब जो भी चीज़ यहाँ से इनके घर से शहर काफ़ी दूर पड़ जाता है तो जो भी चीज़ें ज़रूरत की है ना वो सारी जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इन्होंने खुद लगाई हुई हैं सब्ज़ियाँ वगैरह प्याज भी माशाला से लगे हुए थे वो मुझे दिखा रही थी कि देखें प्याज ये माशला से ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ना ये वो हरे वाले प्याज हैं जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं सालन में जब आप इनके जरिए सालन बनाते हैं तो लहसन भी अपना था और ये देखें आलू मैंने इस तरीके से लगे हुए पहली बार देखें आलू बाहर ही दिखाई दे रहे थे आलू भी अपने धनिया भी अपना लहसुन भी अपनी मतलब सारी सब्जियां जितनी भी ज़रूरत की होती हैं ना वो सारी खुद की लगाई हुई थी और आगे फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी लगे हुए थे यहाँ पे जो है वो आड़ू लगे हुए थे लेकिन वो भी छोटे छोटे थे और कच्चे थे तो वो भी माशाला से देखे कितने खूबसूरत लग रहे दिखने में और इन सब चीज़ों के ऊपर जो तितलियाँ माशाला से लहला लहला रही थी उनकी तो क्या ही बात है मतलब जितना सुकून था ना मेरा दिल कर रहा था यहीं पर रह लूँ लेकिन खैर वापस तो आना था यहाँ रहा तो नहीं जा सकता था तो बस हम घूमे फिरे काफ़ी देर तक इस माहौल का जो है वो इन्जॉय किया इस तरह का माहौल माशाला से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पता नहीं हम जैसे लोग जो इतनी ज़्यादा आसाइशों के आदि होते हैं इतनी आराम और सुकून की लाइफ गुजारने के आदि होते हैं ख़ैर हमारी अपनी ला, हमारी लाइफ भी इतनी कोई आरामदह सुकून नहीं होती पर शायद इनके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा आरामदह और पुरसकून होती है इनको इतने इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और हमें जो है हमारी थोड़ी मुश्किल और तरह की होती हैं पता नहीं हम जैसे आराम पसंद लोग इस तरह के माहौल में जो है वो रह भी पाएँ एडजस्ट कर भी पाएँ कि ना ये तो खैर पता नहीं अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से गंदम भी सारी पकी हुई है और रस्ते में जहाँ जहाँ से भी हम गुजरे हैं ना ये गंदम का सीज़न है तो गंदम माशाल्लाह से पकी हुई है और बादल देखें आसमान पर कितने ज़्यादा आए हुए हैं जब आए थे तो इतना गर्म मौसम था और अब जो है वो मौसम माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया है और अब हम उनके घर के अंदर आए थे तो वो मुझे दिखा रहे थे कि देखें ये अंगूर भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं लेकिन बिल्कुल छोटू छोटू से और कच्चे अभी थे तो जब पक जाएंगे तो हर जरूरत की चीज़ देखें अल्लाह ताला ने मतलब इस तरीके से उन्होंने खुद ही अपना बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किया हुआ है तो अभी ये गंदम का मेरे ख्याल में दूसरा दूसरा शायद सीज़न है जब मैं गंदम के सीज़न में आई हूँ वरना जब भी मैं आती हूँ ना तो तब चावलों का मौसम होता है और पिछली बार भी जब मैं इनके घर आई थी तब हर तरफ जो है वो चावल ही लहरा लहरा रहे थे और उस टाइम चावल पके हुए थे और अब जब मैं आई हूँ तो गंदम पकी हुई है तो देखिए हर मौसम की जो है वो अपने एक अलग अलग रंग होते हैं लेकिन खैर गर्मियों का मौसम जो है वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता बड़ी ही अरसे के बहुत ही अरसे के बाद मैंने गर्मियों के मौसम में पंजाब में ट्रैवल किया है वरना जब भी आती हूँ तो मौसम थोड़ा ठंडा मीठा होता है क्योंकि उस टाइम आसानी हो जाती है तो काफ़ी देर जो है वो हम यहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठे थे क्योंकि आज जुमे का भी दिन था और हमें जो है वो थोड़ा जल्दी निकलना था वापस जाके जो है वो आपको पता जुम्मे की नमाज़ के लिए भी निकलना होता है और अंकल ने जो है वो नमाज़ के लिए थोड़ा जल्दी मस्जिद में जाना था तो हम बस उनके उनके घर थोड़ी देर के लिए बैठे थोड़ा सा इन्जॉय किया बाहर के व्यू को और फिर हम जो है वो यहाँ से निकल आए और जब हम यहाँ से निकले हैं तो मौसम देखिए मार्शल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और अभी कुछ दिनों में बारिशों का भी बताया हुआ है तो देखिए आगे हालात कैसे होते हैं बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो जो भी करे रहमत अगर बारिश भी हो तो रहमत वाली हो क्योंकि लोगों की फ़सलों की पूरी इतनी साल की मेहनत जो है वो पकने पर आई हुई अभी फल का मौसम है और अल्लाह पाक जो है वो खैर खरीद रखे क्योंकि अगर बारिश होगी तो ये सारी गंदुम जो है वो ख़राब हो जाएगी और जिन लोगों ने इससे बहुत सारी आसें और उम्मीदें लगाई हुई हैं उनकी आसें और उम्मीदें जो है वो टूट जाएंगी पर अल्लाह पाक जो है सब पर अपना करम करे रास्ते में मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है देखें दोनों तरफ जो है वो हरियाली हरियाली और बीच में ये छोटू सा रास्ता बहुत ही अल्लाह ताला के खूबसूरत रंग नजर आते हैं इन सब चीज़ों में तो मैं अपने ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ इन फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़